सुअर गाधा सभी है, जन्म ना जाए तो शुद्ध जन्म से सारी सुअर गाधा है, ठीक है कोई बाकी वो जो वर्णाश्रम धर्म विचार है वो सुअर गाधा को देवता बनाने के लिए आस्ते आस्ते कर जो सबसे इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण बनाया जाता है और उससे लेस जो है उसको क्षत्रिय, उससे जो लेस है उसको वैश्य और जो बिल्कुल लेस इंटेलिजेंट वो शूद्र। तो आजकल जो है वो इंटेलिजेंस ही है, तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं करो शूद्र संभव कल दिन में और कोई है नहीं केवल शूद्र शूद्र। इसलिए शास्त्र का कोई उम्र ज्यादा नहीं है क्योंकि शास्त्र है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण लो पंडित होए अपना आचरण शुद्ध करे समाव दमाव सत्तम चौतम दान ये सब ब्राह्मण का गुण दादस गुण तो समाज में कहां सिखाया जाए। जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी हतौड़ी पीट नहीं, तो फिर कैसा मनुष्य समाज है जन्म दिया। इसलिए कलयुग में एक ही साधन है कि सब भगवान का नाम लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते वो तब स्वर्ग गधा शूद्र ये सब हो गया है और केवल वो अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर शरीर का लिए परिश्रम करते हैं। तो ऋषभ जो कहते हैं ये उचित नहीं, उचित इस तरह से जो समय नष्ट कर रहे हो मनुष्य जीवन जो बहुत मूल्यवान है अनेक जन्म का बाद मिला है उसको केवल खाने पीने के लिए बच्चा पैदा करने के लिए बर्बाद करना है तो उचित नहीं है। ये ऋषभ जो का मूल उद्देश्य है तो किस लिए है न तपो, इसलिए कहते हैं तपो दिव्यं पुत्र का जे न सत्तंग शुद्धे दिस इज योर बिजनेस। सत्ता हमारा जो एग्जिस्टेंस का मूल भित्ति है जैसे शरीर है, ये शरीर शुद्ध नहीं है इसलिए हमको तो मरने पड़ता है। क्यों मरता है? कोई तो मरने को नहीं चाहता, जन्म में तो जरा मरी ऐसा बुखार चढ़ जाता, कौन बुखार को चाहता है? ये चढ़ जाता है कोई कारण से, बुखार हो गया, कोई पाप हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, इसलिए बुखार। बुखार होना कोई साधारण नहीं है, यह असाधारण है। इसी प्रकार जब शास्त्र से हमको ये खबर मिल रहा है ना हन्नते हन्नमाने शरीर, कि जीवात्मा जो है ये शरीर नष्ट हो जाने से वो उनका मरण नहीं होता, उसका और एक शरीर जैसा कपड़ा फट गया तो वो कपड़ा फेंक देते हैं दूसरा कपड़ा लेते हैं किसी तथा देहांतरम। इसी प्रकार जब ये शरीर अब चलता नहीं, इसका मशीन सब खराब हो जाता है, जैसे आप लोग मोटर लेते हैं पुराना गाड़ी है और चलता नहीं इसको फेंक देते हैं और एक नया गाड़ी ले देते हैं, इसी प्रकार ये शरीर जो है ये भी एक गाड़ी है जंत्र। भगवान खुद बताए जंत्रारूढ़ाणी माया, ये माया का दी हुआ जंत्र। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठते रामायण सर्वभूताने जंत्रारूढ़ाणी माया, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से हम लोग समझे कि भगवान सबके शरीर का भी, भगवान भी है मैं भी, दो शरीर आत्मा है जीवात्मा परमात्मा। भगवान बताया है भगवद्गीता है कि क्षेत्रज्ञं च विमान विद्धि सर्व क्षेत्रीय सुभाव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये शरीर है क्षेत्र जमीन, और जैसे जमीन होता है और जमीन का कोई किसान भी होता है, दोनों मिलकर के एक फल को उत्पादन करते हैं जिसका हम लोग भोजन करते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये शरीर से हम लोग काम लेते हैं, हम लोग
जीवात्मा। अब इसका जो फल है उसको फिर भोगते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण। तो भगवान भी इसका तो भगवान कहते हैं जो ये जो शरीरी शरीर का मालिक एक जीवात्मा है इसको भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और ये क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञ चतु इमान विद्धि सर्व क्षेत्रीय सुधार। जैसे जीवात्मा है वो अपना शरीर का ही खबर रखता है, हम आप लोग देखते हैं हमारा जो सुख दुख है शरीर में मैं बोल सकता हूं, आपका सुख दुख जो है वो आप बोल सकते हैं। बाकी भगवान जो है सर्व क्षेत्रीय सुधार, भगवान सबका सुख दुख जानता है, हमारा भी जानता है आपको भी जानता है। तो दो है, जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक है उसको ज्ञान ठीक नहीं, जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग। इसलिए भगवान कहते तो चौ का तोता है एवं और बात यही है। हम यदि अगर परमात्मा होता तो आपका शरीर का सुख दुख हमको मालूम होता, और आप अगर परमात्मा होते तो हमारा सुख दुख आपको मालूम, ये तो मालूम नहीं है। बाकी भगवान को मानते, तभी तो हम लोग भगवान को मानते। सर्व क्षेत्र सुधार, तो जीवात्मा परमात्मा जो, और वे भगवान कहते कि ईश्वर सर्वभूतानाम विद्देश अर्जुन तिष्ठति। तो सर्वभूतानाम ईश्वर भगवान रहते हैं, तो मैं क्या सर्वभूत में रहता हूं, तुम भगवान कैसा हुआ? ये सब विचार नहीं करते, भगवान बन जाए, हम भगवान हैं, तुम कैसे भगवान हो? तुम सब जीव का आत्मा में है, सबका सुख दुख समझते हो, नहीं कुछ नहीं, भगवान बन गया नहीं। ईश्वर सर्वभूतानाम विद्देश, वो जो भगवान है वो परमात्मा है, सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी है जो दो पक्षियां हैं, वो ये वृक्ष में बैठे हुए हैं, वो दो पक्षी कौन है? जीवात्मा है परमात्मा है। तो एक जो पक्षी है वो वृक्ष का फल को खाते हैं, और दूसरे जो पक्षी है वो देखते हैं, अनुमंता उपदृष्टा, तो केवल देखते हैं कि क्या चाहते हैं। तो भगवान तो सुईदन सर्वभूतानाम सबके मित्र है, भगवान इतना सुंदर मित्र है कि जीवात्मा कोई भी शरीर में जाता है, स्वर का शरीर में जा, देवता का शरीर में जा, भगवान साथ साथ जाते हैं। इसके ये मूर्ख को कैसा समझाया जाए, ये जो देहांतर प्राप्ति केवल करते हैं और दुख भोगता है सुख भोगता है, इसी प्रकार इस दुनिया में भ्रमण करते हैं, किस तरह से इसको ज्ञान दिया जाए कि मूर्ख ये सब छो गधा, ये सब छो मूढ़ा गधा छोड़े, यदि सुखी होने के साथ क्यों ऐसा फिरता है भटकते हैं, एक शरीर छोड़ के एक शरीर तथा देहांतर प्राप्त, ये मूर्ख को समझाने के लिए मजा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम।